Sharma, and I'm playing the female lead of the film. And it's a very beautiful family dramatic film. जब मुझे पहले कहानी सुनाई गई थी तो आई लाइक इट वेरी मच, बट देन आई वाज टोल्ड कि यू नो एक मदर का रोल है, सो आई वाज अ बिट डाइसी कि वेदर आई शुड डू इट और नॉट. बट व्हेन आई सॉ द किड, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो फाइनली आई सेड राइट, द फिल्म इज राइट, द कॉन्सेप्ट इज नाइस, एंड द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, एंड द बेबी गर्ल शी इज सुपर क्यूट, सो आई सेड यस फॉर द फिल्म. तो लुक, यू लुक सो क्वाइट यंग. आई मीन मदर का रोल है तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि एज अ यंग गर्ल यू वेरी चैलेंजिंग. अर्ली आई वाज ट्रीटिंग लाइक माय लिटिल सिस्टर, बट देन एक बार जैसे ही शूट शुरू हुआ, हम दोनों के बीच में क्लोजनेस शुरू हुई, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मदर, बिकॉज कैरेक्टर में घुस जाता हूं एक बार तो और कुछ दिखता नहीं है. तो इस तरह से इट वाज रियली फन वर्किंग विद हर. एंड व्हाट अबाउट योर को स्टार राइट नाउ? ही इज आल्सो अमेजिंग. इट वाज गुड टू वर्क विद हिम. यार इट्स न्यू, बट इट वाज फन वर्किंग विद हिम. आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने कोस्टार के बारे में, कैसा है वो एक्सपीरियंस था? अच्छा लगा इनके साथ काम करके, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें टीवी का, और बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेती हैं, और इनके साथ काम करके अच्छा फील हुआ. तो दोनों फिल्म में आप लीड रोल में क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिल्म के सक्सेस के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है, और दोनों के कैरेक्टर अलग हैं, तो इन्जॉय किया पूरा. तो कैसे अडेप्ट कैसे किया दो कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से? ये स्टोरी मिलने के बाद हो जाता है ऑटोमेटिक. कभी कभी पुराने कैरेक्टर से निकाल के नए कैरेक्टर में डालना पड़ता था. तो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा रोल लगा और क्यों लगा दोनों का? नहीं, दोनों की अपनी अपनी खासियत है, और ये फैमिली ड्रामा है और वो सस्पेंस थ्रिलर है. And what about the future projects you are working in? Future projects, we are on talking terms, so let's see, once things get finalized, I'll let you know. What about it? आप जो project कर रहे हैं? प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट जंगलम है जो ये लास्ट प्रोजेक्ट करते समय ही ऑफर हो गई, तो हम जंगलम पे काम कर रहे हैं और उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और उसका मूड जल्दी ही होने वाला है, तो मूड की जानकारी आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगी. दो लाइन में कहना चाहूँगा, डर है, डराने वाला कोई नहीं, मौत है, मारने वाला कोई नहीं. ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली फिल्म है. जनरली हमारे यहाँ ऐसी फिल्में नहीं बनती है, लेकिन हमारे ही ऑडियंस होते हैं जो ऐसी फिल्मों को भी हिट कराते हैं. जब ऐसी हॉलीवुड से ऐसी फिल्में आती है तो हम लोग ही उसको भी हिट कराते हैं. तो हमारी एक पहल है ऐसी एक फिल्म बनाने की. प्रेरणा मेरी और गुरुजी मेरे साथ हैं मेरे, इन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर, और इनसे बहुत मतलब सीखने के लिए मिलता है. इसमें जो भी चुनौतियाँ हैं वो इनके साथ रहते सारी मुझे आसान लगती हैं. तो एज ए फिल्म मेकर एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना रिस्क फैक्टर होगा आपको ये फिल्म आना, और यू नो इस फिल्म की कामयाबी के लिए कितना ज़्यादा आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा? सर 13 साल हो गए इधर आए, सर 13 साल पहले भी कुछ आसान नहीं किया. हर दिन मैं रिस्क लेके काम करता हूँ, और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई काम रिस्क लेके करते हैं तो पहले ही दिन आप एक नया काम करते हैं, और नया ही करना चाहते हैं. आसान काम करना होता ना तो सरकारी नौकरी कर रहे होते. एग्जैक्टली. तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट में और क्या विशेषता नजर आएगी सर? तो है मतलब काफ़ी काफ़ी चेहरे देखेंगे, जाने माने चेहरे देखेंगे. कास्टिंग का खुलासा अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी फिल्म इस वक्त कास्टिंग के ही लेवल पर है. हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फिल्म पूरे नए कास्टिंग के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. मार्केट के ही सारे आर्टिस्ट होंगे, कुछ पुराने कुछ नए आर्टिस्ट होंगे. गाने काफ़ी अच्छे हैं, गणेश आचार्य जी की कोरियोग्राफी है, फिर सेतु श्रीराम सर हमारे DOP हैं, उसके बाद विशाल मिश्रा, निर्जन सोनी, आयान अली अब्बास, ऐसे नाम जुड़े हैं हमारे साथ म्यूज़िक में. तो ये वो प्रोफाइल है जो मेरा कमाया हुआ है. ये वो लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है. मेरी अपनी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं हर एक इंसान को पैसे से ला पाऊँ. इनका प्यार है, इनका बड़प्पन है कि ये जुड़ रहे हैं और प्रोजेक्ट को बड़ा कर रहे हैं. तो वैसे ही कुछ और भी लोग हैं, उनका प्यार मिलते रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलते रहेगा, फिल्म देखते देखते बहुत बड़ी हो जाएगी मुझे पता है. तो शूट कंप्लीट हो गया या और बस अभी मुहूर्त है 16 तारीख को, प्यार दिखाइए जगह पर आप लोग. तो क्या प्लानिंग, कहाँ शूट करेंगे, कब तक रिलीज करेंगे? महाबलेश्वर कर रहे हैं हम लोग, जंगल का लोकेशन. ओके, हाँ जी. तो पूरे फिल्म महाबलेश्वर में शूट हो नहीं, तकरीबन 75% हम लोग महाबलेश्वर कर रहे हैं, 10% मुंबई कर रहे हैं, और 10% हम लोग बैंकॉक कर रहे हैं. तो कब तक प्लानिंग है पड़ती बनाने की फिल्म को? इसी साल एंड तक. कोई बड़ी फिल्म हमें स्पेस दे दे तो हम उस आड़ में अपनी जगह बना लें, और नवंबर और दिसंबर तक हम आ जाएंगे. थैंक यू.